नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शरद सिंह। लगता है बॉलीवुड और विवादों का जो ये गठजोड़ चल रहा है वो खत्म होने का नाम नहीं जल्दी से लेने वाला। जी हां, इस बार मामला आया है हिप हॉप सिंगर यो यो हनी सिंह का। जी हां, यो यो हनी सिंह की पत्नी ने उन पर ये आरोप लगाया है कि वो एक डोमेस्टिक वायलेंस करते थे, उन्हें वो मेंटली हरास करते थे, उन्हें वो सेक्सुअली हरास करते थे और उन्होंने फाइनेंशियली भी काफी गड़बड़ करी है। जी हाँ, दिल्ली की 30,000 कोर्ट में यो हनी सिंह की जो पत्नी है शेफाली तलवार, उन्होंने 4 केस रजिस्टर कराए हैं और इन 4 केस में अगर हम देखा जाए तो प्रिवेंशन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, प्रिवेंशन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, प्रिवेंशन अगेंस्ट फाइनेंशियल फ्रॉड और प्रिवेंशन अगेंस्ट मेंटल हरासमेंट। जी हाँ, ये 4 वो केस हैं जो दिल्ली के 30,000 कोर्ट में जो यो हनी सिंह की पत्नी है शेफाली तलवार, उन्होंने उनके ऊपर ये 4 केस दर्ज करवाए हैं। दोस्तों, ऐसा लगता है कि ये जो बॉलीवुड की से जुड़ी जो खबरें हैं वो और लगातार विवादों से जुड़ी खबरें वो बॉलीवुड का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही हैं। और अगर बात मैं यो हनी सिंह की ही कर लूं तो ये जो यो हनी सिंह हैं ये काफी ज्यादा यो करते रहे हैं। जी हाँ, इनका विवादों से बहुत पुराना अगर देखा तो उनका रिश्ता रहा है और चाहे वो उनके ऊपर जो भी नशा सेवन करने का आरोप लगा हो, ड्रग्स लेने का आरोप लगा हो और जिस तरह के उनके गाने होते हैं, अश्लील गाने होते हैं, उस पर भी काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी पहले भी हो चुकी है। लेकिन लगता नहीं है ये जो यो हनी सिंह है उन्होंने कुछ भी इससे सबक लिया है और इस बार फिर से एक बॉलीवुड की बहुत बड़ी शख्सियत यहाँ पर विवादों में फंस गई है। और आपको याद भी होगा शायद कि यो हनी सिंह ने एक रियलिटी शो में जाके ये खुलासा किया था कि वो मैरिड हैं, अनमैरिड नहीं है, जैसे कि उनके फैंस उनको समझते थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये कैसे लोग होते हैं बॉलीवुड के, और इनका शायद कोई चरित्र नहीं होता है और चरित्र हनन लगातार इनका होता रहा है, कैरेक्टर नाम की कोई चीज नहीं है। तो अब ये एक केस यहाँ पर डला है। अब इस पे जो मुद्दे पर कोर्ट ने यो हनी सिंह को 8 अगस्त तक का वक्त दिया है कि वो अपना जवाब दाखिल करें। अब देखते हैं यो हनी सिंह क्या इसके ऊपर जवाब दाखिल करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि राज कुंद्रा जो शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड है और पोर्नोग्राफिक किंग है, उन्होंने भी काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में है और एक के बाद एक जो बॉलीवुड के जो किस्से हैं वो लगातार उनके फैंस को परेशान कर रहे हैं। पहले सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी खबरें आई थी काफी एक साल पहले, उसके बाद राज कुंद्रा का कांड हुआ ये यहां पर, अब इसके बाद यो हनी सिंह ने भी पर भी एक केस चार केस रजिस्टर में कहूंगा हो गए हैं। तो बॉलीवुड को भी समझना पड़ेगा कि अपनी इंडस्ट्री बचानी है तो उन्हें किसी भी तरह अब इन विवादों से दूर रहना होगा। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं। आप हमें Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।